जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज की नीमच मंडी की लहसुन क्या आप देख लेते हैं कैसी रही है। उसको तीन लाइनों में आके हैं, दो लाइन तो ये पीछे चल रही है जो हमेशा चलती है ये इस साइड में, ये दो लाइन इधर है और ये तीसरी लाइन है। तो कुल मिला के आवके तो ठीक ही है, मगर कल के मुकाबले आवक आज अभी तक तो कम है। कुल मिलाकर वाहन लगभग 400-450 के आसपास वाहन है, इससे ज़्यादा नहीं है, और छपरों में लगभग 1500 कट्टों से ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर आवक की स्थिति 10,000 बोरी के आसपास की तो पक्की है, मान के चलिए 12-13,000 बोरी हो जाएगी। तो आवके कल के मुकाबले कुछ कम कह सकते हैं अभी तक। और इसके अलावा अन्य जिन्सों में बात करें तो कल के मुकाबले अन्य जिन्सों में भी आवके कम है, मगर सोयाबीन के आवके तो वही 10,000 बोरी के आसपास आ रही है लगातार, वो बम्पर आवक देखने को मिल रही है। गुरु कृपा गार्लिक सप्लायर्स, उच्चतम क्वालिटी के G2 लहसुन व 51 लहसुन के बिजवारे हेतु आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से जीरन G2 क्वालिटी जो चित्तौड़गढ़ जिले में बेगू तहसील में जो आसपास में बोई जाती है, जीरन G2 लहसुन क्वालिटी। नाना लाल जी धाकड़ साहब और बाग पाछली खेड़ी वाले, इनका मोबाइल नंबर है 9982350555। विनोद जी धाकड़, रवि जी धाकड़, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से जीरन G2 क्वालिटी का लहसुन इनके यहाँ बिजवारे के लिए उपलब्ध है, जो काफ़ी वाजिब दाम पर और अच्छी क्वालिटी है, जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो अच्छी क्वालिटी के बिजवारे के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गुरु कृपा गार्लिक सप्लायर्स। सप्लाई की आवक है और माल कट्टों में बिक रहा है, जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था कि व्यवस्था वापस चेंज हो गई, कट्टों में माल बिकने लग गया है, मगर अधिकांश वाहन आ रहे हैं और कट्टे लाओ तो आप ट्रांसपोर्ट कट्टे लेकर आएँ, इस टाइप से आसमानी बोरियों में माल न लाएँ, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छे रहेंगे, कट्टों में माल रहेगा तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको आपकी उपज का दाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि माल दिखेगा तो बोली भी अच्छी लगेगी, और बोरियों में माल नहीं दिखेगा तो आदमी को डर रहता है कि माल कैसा है। तो यही निवेदन रहेगा, ट्रांसपोर्ट कट्टों में लाएं। और ये आवक की स्थिति है पहले छपरे की, और बीच में गैप रहेगा, बीच में कोई खाली ना करें, क्योंकि बीच में नई व्यवस्था बनाई है ताकि बोली बोलने वाले और लेवाल सब बीच में रह सकें और कट्टे को देख सकें, व्यवस्था बिल्कुल अच्छी बनी रहे। तो ये आवक की स्थिति है पहले छपरे की, और आवके ठीक ठाक है आवक। हाँ जी, तो आवके ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और कहाँ से हो दादा? उज्जैन जिले से। दोस्तों उज्जैन जिले से आए हैं ये किसान भाई, तो लगभग आवके ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, कम तो नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल साहब, छपरे की आवक है और छपरों में भी माल बिक रहा है, मगर बोरियों में ना लाएं, ऐसे ट्रांसपोर्ट कट्टों में लाएं, नीले कलर के आसमानी कलर के, जिससे माल आपका व्यवस्थित बिके। तो ये स्थिति है आवक की, छपरों के अंतर्गत आवक ये है दोस्तों। और इसके अलावा पहले छपरों में बिल्कुल कहाँ से हो? झालावाड़ जिले से हैं दोस्तों, एक किसान भाई आए हैं लहसुन लेकर, तो माल ऐसे आसमानी कट्टों में लेकर आए और अच्छा रहेगा, जिससे आपका माल भी व्यवस्थित बिके। तो बोरियों में ना लाएं, क्योंकि बोरियों में समस्या रहती है, माल में दिखता नहीं है, इस कट्टों में लाएं जिससे माल की परख हो। तो ये आवक की स्थिति है दूसरे छपरे की, और छपरों में भी नीलाम हो ही रहा है, माल बिक ही रहा है।